नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा को काफी महत्व दिया जाता है। इस पूर्णिमा के बाद से ही हेमंत ऋतु का आरंभ होता है और धीरे धीरे सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। ऐसे में साल 2020 में शुक्रवार 30 अक्टूबर की रात शरद पूर्णिमा की रात है। आज चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है, इस कारण यह तिथि विशेष रूप से चमत्कारी मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा की किरणों में रोगों को दूर करने की क्षमता होती है। ऐसे में लोग इसका लाभ लेने के लिए छत पर या खुले में खीर रख कर अगले दिन उसका सेवन करते हैं। कुछ लोग चूड़ा और दूध भी भिगो कर रखते हैं। शरद पूर्णिमा को कोड पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी विचरण करती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के बेहद पास होता है, जिसकी वजह से चंद्रमा से जो रासायनिक तत्व धरती पर गिरते हैं वो काफी सकारात्मक होते हैं। जो भी इसे ग्रहण करता है उसके अंदर सकारात्मकता बढ़ जाती है। शरद पूर्णिमा को कामुदी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी विचरण करती हैं। इसकी वजह से शरद पूर्णिमा को बंगाल में कोजा कहा जाता है, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। शरद पूर्णिमा के दिन किए गए कुछ उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं। माँ लक्ष्मी यदि आपसे प्रसन्न हो गई तो आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी।